सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मोबाइल फोन्स में लगे हुए प्रोसेसर्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, स्नैपड्रैगन का 625, स्नैपड्रैगन 835, यहाँ पे दोस्तों है सैमसंग का एक्सिनोस, एप्पल का A11, लेकिन क्या आपने कभी सुना है SoC या फिर सिस्टम ऑन अ चिप के बारे में? आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे SoC के बारे में ही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास में मोबाइल फोन्स हैं, जो दोस्तों हम काम में लेते हैं टैबलेट्स वगैरह है, वो बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे आप वो सभी काम कर पाते हैं, ऑलमोस्ट उसको जॉब कर पाते हैं कंप्यूटर में, लेकिन आप साथ में ये बात भी जानते हैं कि अगर आप खोल के देखेंगे दोस्तों किसी कंप्यूटर को, तो वहां पे आपको मिलेंगे अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए। तो इसका मतलब मोबाइल फोन्स के अंदर भी हमको वो सभी कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में CPU भी होता है, GPU भी होती है, RAM भी होता है, स्टोरेज भी होती है, मतलब सभी चीजें होती हैं। तो हम कैसे उस मोबाइल फोन में, छोटे से पतले से हल्के फुल्के से मोबाइल फोन में, उन सभी कंपोनेंट्स को लगा पाते हैं और ठीक से यूज कर पाते हैं? तो यहां पर दोस्तों हम जो है वो काम में लेते हैं SoC कॉन्सेप्ट का, जहां पे हम पूरे सिस्टम को एक चिप में डाल के कर देते हैं एक साथ इंटीग्रेट। लेकिन आप सोचोगे कि यार एक चिप में सब कुछ कैसे आ गया? तो यार ये बात तो आप भी जानते हो कि मोबाइल फोन आपका दुबला पतला सा दोस्तों बहुत ही एक स्लिम डिवाइस है। ऐसे में पहली बात तो ये कि हमारे पास में जगह कम है, दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आप कंपोनेंट्स को अलग अलग लगाओगे ऐसे वही आपके कंप्यूटर वाले स्टाइल में, तो यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो कितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि आप सभी को एक साथ क्लोजली इंटीग्रेट करो, जिसके चलते आपको मिले बेहतर एफिशिएंसी, बेहतर परफॉर्मेंस और जो जगह है वो भी कम काम में आए। तो यहाँ पे दोस्तों हम मोस्ट केसेस में एक ही चिप के अंदर सभी चीजों को डाल देते हैं और उसको हम कहते हैं कंप्लीट SoC, यानी कि सिस्टम ऑन अ चिप। यहां पे आपका सिर्फ ऐसा नहीं होता कंप्यूटर की तरह कि जैसे आपने दोस्तों लगा दिया मान लीजिए इंटेल का i5 i7, तो वो सिर्फ एक प्रोसेसर है, ऐसा नहीं होता है। यहां पे दोस्तों वो जो एक चिप है उसमें आपका प्रोसेसर भी है, उसमें आपका GPU भी है, वहां पे दोस्तों स्टोरेज भी है, वहां पे आपके पास में तरह तरह के जो सेंसर्स हैं वो भी आपके वहां पे इंटीग्रेटेड है, वहां पे दोस्तों आपके पास में सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, वहां पे आपने साथ में जो भी आपके कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं वाईफाई ब्लूटूथ वाले मॉड्यूल्स वो भी आपने लगा रखे हैं, और यहां पे दोस्तों सभी मिलकर सिर्फ एक सिंगल चिप की फॉर्म लेते हैं। तो ये हम काम कैसे करते हैं? मतलब अभी यार कंप्यूटर का जो CPU है वो तो बहुत बड़ा होता है और फोन में दोस्तों बहुत ही छोटी सी एक चिप है जहां पे सभी काम एक साथ हो गए। तो यहां पे दोस्तों कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपके फोन का जो प्रोसेसर है वो चाहे कितनी भी कोर्स का हो, चाहे दोस्तों वो ऑक्टा कोर या फिर डेका कोर, यहां पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो उसकी कितनी भी हो, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता परफॉर्मेंस जो आपके कंप्यूटर्स में आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं इंटेल के i5 या फिर i7 वगैरह। और यहां पे हम मोबाइल फोन्स में काम में लेते हैं आर्म बेस्ड CPUs के, जो कि बहुत दोस्तों सिंपल होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और ऐसे में टू द पॉइंट काम करते हैं। मतलब जो आपका OS है उसके में इतने वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं कि आपको ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने कम पावरफुल हार्डवेयर के अंदर भी बेसिक जो काम है वो दोस्तों काफी अच्छे से कर लेने होते हैं। तो यहां पे इसी के चलते साइज जो वो कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम जैसे डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो यहां पे जो भी टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे हम चीजें बनाते हैं वो धीरे धीरे उसका साइज श्रिंक होता रहता है। तो यहां पे हम उसी साइज में और ज्यादा कंपोनेंट्स को डे बाय डे इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं, साथ में ऐड करते जा रहे हैं। तो आपका वहां पे CPU आ गया, उसके बाद में आपका वहां पे GPU आ गया, वहां पे दोस्तों RAM ROM भी आ गई, कुछ केसेस में जो मेमोरी है वो वहां पे नहीं आ पाती है उस चिप में तो हम उसको अलग से लगाते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी हम कई बार पैकेज ऑन पैकेज काम लेते हैं जहां पे आपका उसी के ऊपर हमने लगा दिया, जिसके चलते होता ये है कि जो लेटेंसी है जो आप डेटा ट्रांसफर जब करते हो तो वो काफी कम हो जाती है। इसके अलावा जितने भी आपके सेंसर्स वगैरह हैं वो सभी उसी के साथ में एक पैकेज की फॉर्म में आते हैं, तो वो एक यूनिट करके दोस्तों काम करती है चीजें सारी एक साथ, जिससे आपको पावर कंजम्पशन बहुत ही कम मिलता है। मतलब ये नहीं है ना कि आपने अगर कंप्यूटर वाला जो पूरा हार्डवेयर है वो अगर एक फोन में लगा दिया, आपकी बैटरी चली मुश्किल से 1 घंटा और उसके बाद वापस लगाओ चार्ज में, वापस 1 घंटा बैटरी, ऊपर से जो हीट वगैरह निकल रही है वो अलग है, क्योंकि यहां पे आप चीजें एक साथ जोड़ रहे हो, बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, तो आपको फ्रीडम मिलती है कि आप बेहतर तरीके से चीजों को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओ। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है SoC का, और यहां पे आप कंप्लीट सिस्टम को एक चिप पे प्लांट कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एक चिप लगा दी फोन में आपका काम बन गया, इसके अलावा दोस्तों यहां पे बहुत सारे और मॉड्यूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पीकर को तो उस चिप में नहीं लगा सकते, फॉर एग्जांपल आप कैमरा को तो उस चिप में नहीं लगा सकते। तो यहां पे दोस्तों आपके पास में हार्डवेयर है वो और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, लेकिन जो मेन कोर, जो दिमाग है, जो मेन कोर सारे आइटम्स हैं वो आपने एक ही चिप में लगा दिए, और इसी को हम कहते हैं SoC, और ये हम धीरे धीरे और इंप्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे आपको कंप्यूटर्स के अंदर भी देखने को मिलता है, कई बार आते हैं इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, तो वो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक ग्राफिक्स यूनिट है वो आपने उसी प्रोसेसर के साथ में उसी चिप में लगा दिया। या फिर दोस्तों इनफैक्ट जो आपकी कई बार कैश स्टोरेज होती है वो भी उसी चिप के अंदर लगी होती है। तो आप जो है वो कोशिश ये कर रहे हो कि सभी चीजें आप कैसे एक ही चिप के अंदर अगर आप जोड़ पाओ
दिखाओ जिसके चलते आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिले। तो ये काम मोबाइल फोन में तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है भाई अभी, और आगे चल के अगर हमको चाहिए और बेहतर परफॉर्मेंस और पतले फोन तो हमको एक करना ही पड़ेगा। लेकिन ये काम हम कंप्यूटर्स में भी करने की प्लानिंग करते हैं और डे बाय डे। अभी खैर ये तो नहीं होगा कि आगे चल के आपने इंटेल का i7 भी है उसके अंदर और साथ में आपका जो GPU है लेटेस्ट वो भी आपने लगा दिया इतनी सी जगह पे, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों आगे चल के हम जो चीजें हैं वो कोशिश करते हैं कॉम्पैक्ट करने की, जिसके चलते हम बेहतर एफिशिएंसी के साथ में बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो निकाल पाए अपने किसी सिस्टम से। मोबाइल फोन्स में एसओसी का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।